लंबित पुराने 3 माह की प्रोत्साहन राशि की मांग के लिए पहुँचे पाली CSC बड़ी संख्या में मितानिन ने भुगतान करने की रखी मांग। पाली ब्लॉक के मितानिनों को प्रोत्साहन राशि 3 माह का भुगतान नहीं होने तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली के BMO डॉक्टर CL रात्रे के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर लिखित में ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनकी मुख्य समस्या पाली ब्लॉक के मितानिनों को प्रोत्साहन राशि जून 2022 से अगस्त 2022 तक भुगतान अप्राप्त है, मितानिनों को ट्रेनिंग अवधि का राशि भुगतान कराया जाए, प्रत्येक माह प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, वर्ष 2020 से कोरोना काल ड्यूटी का राशि जमा नहीं हुआ है, मितानिनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को कुछ काट कर भुगतान किया जाता है, जिसे पूरा राशि का भुगतान कराया जाए, मितानिनों से सभी विभाग का काम लिया जाता है, लेकिन मितानिनों को कोई राशि नहीं दिया जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर पाली ब्लॉक के मितानिनों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खंड चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। किस समस्या को लेकर पाली CSC आए थे आप? मैं हल्दी बाजार से आया हूँ। मेरा नाम अनसुईया राठौर है। मैं मितानिन कार्यक्रम में काम करती हूँ। आज हम लोग पाली ब्लॉक में खंड चिकित्सा अधिकारी से सौजन्य मुलाकात करने आए थे। हम लोग का 3 महीना का वेतन नहीं मिला है, इसलिए आए थे। और कोरोना काल में जो भी ड्यूटी की है हमारी मितानिन बहने लोग, उनका भी पैसा नहीं आया है, इसलिए आए थे। और हम लोग किस समस्या को लेकर पाली CSC आए थे आप लोग? हम लोग पाली CSC मतलब हमारा जो मितानिन संगठन ग्रुप बना है, तो हम लोग सब लोग एकता होकर अपने जो प्रोत्साहन राशि नहीं आ रहा है उसके लिए हम लोग आए हैं। जैसे कि जून तक अगस्त तक अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोत्साहन राशि चाहे जितना भी बने लेकिन हर माह मतलब आ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी थोड़ा पैसा का ज़रूरत होता है, कुछ चीज़ में जुड़े रहते हैं, तो उसका भी हम लोग का जो भरोसा रहता है कि मिलेगा करके, तो हम लोग चाहते हैं कि जो प्रोत्साहन राशि हो हर माह आना चाहिए। और वो भी प्रोत्साहन राशि कट कर नहीं आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, बीच बीच में कट कर आ जाता है। और जैसे कोरोना ड्यूटी किया है ना, उसका भी पैसा नहीं आया है, तो वो भी आना चाहिए। हर विभाग का सर्वे करने के लिए बोल दिया जाता है और उसका भी राशि वगैरह कुछ नहीं मिलता, ट्रेनिंग का नहीं आया है, वो भी आना चाहिए।